भारतीय तेलंगाना की विधानसभा में मैं जब जाता हूं तो मेरे राइट साइड में ओएसी का छोटा पुल तो कुत्ता हुआ मैं बैठता हूं। उसके साथ विधायक मेरे पास में बैठते हैं। कभी कभी ऐसा मन कहता है कि सालों को वही भगवाओगे फोटो। मजलिस अरकान असेंबली का पीछा करके गोली मारने को दिल करता था राजा सिंह की शरंगेजी। बीजेपी पार्टी से मातिल गोशा महल के रुकने असेंबली जिन पर शरंगेजी फैलाने के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज है और तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से मुंतबा करने के बावजूद रुकने असेंबली ने दोनों फिरकों को मुश्ताल करने के सिलसिले को जारी रखा हुआ है। यकुम अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को रियासत राजस्थान के भुलवारी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो तेलंगाना कानून साज असेंबली के रुकन होने पर शर्मिंदा है। उन्होंने मजलिस के कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन ओवैसी के बशमोल दीगर 7 अरकान असेंबली का पीछा करके गोली मारना चाहते हैं। ऐवान असेंबली इजलास के मौके पर जब असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और अरकान असेंबली जब मेरे साथ बैठे तो मेरे मन में उन पर गोली मारने का ख्याल आया था, लेकिन मैंने दूसरी बात करने पर मजबूर किया। कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों को वहम था कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना। तुम लोगों को वहम था धारा 370 का कलम नहीं हटेगा। धारा 370 कश्मीर से हटा है ना। तुम लोगों को वहम था कि त्रिपुल तलाक पर भी नहीं आएगा। त्रिपुल तलाक पर भी आया या नहीं आया। इनको आज भी वहम है कि भारत हिंदू का बनेगा। इनका ये वहम 2036 में पूरा हो जाएगा, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा 2036 तक। अगर कोई भी पाकिस्तानी हमारी एक बहन को ले जाता है तो उनकी 10 बहनों को हमें लाना चाहिए। ये सिर्फ पाकिस्तानी मूल्यों को नहीं, आप समझ सकते हो, ये इशारा किधर किधर जाता है। बेटा ये जो व्हाइट टोपी पहना हुआ है ना, ये दोस्त नहीं है। तो हमारे हिंदू राष्ट्र भारत की राजधानी दिल्ली नहीं होगी, मथुरा या अयोध्या होगी। हमारे अखंड भारत देश हिंदू में सभी हिंदुओं को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्मी की ट्रेनिंग जो भी देशद्रोही हमारे हिंदू पर आंख उठाएगा तो हमारे आर्मी वाले आज देश की रक्षा करना करे पता है ना। आतंकवादियों को ठोक ठोक कर रहे, वैसे ही हमारे हिंदुओं को भी आर्मी की ट्रेनिंग दी जाएगी। और हमारे भारत हिंदू राष्ट्र में हम दो हमारे दो जिसके रहेंगे उसी को वोट डालने का अधिकार रहेगा। हमको हमारे दो का जो पालन करेगा उसी को चुनाव लड़ने के लिए अधिकार दिया जाएगा। हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में तो हत्या नहीं होगी। हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में कोई भी लैंड जिहाद नहीं करेगा। हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में कोई भी पादरी धर्मांतरण के नहीं कर सकेगा। क्या हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है? दूसरा कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। अगर हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कोई ना लव जिहाद करेगा, ना कोई धर्मांतरण करेगा, ना कोई हिंदुओं के साथ आंख उठाकर देखेगा। लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र को बनते हुए आप क्या आपके अब्बा भी नहीं रोक सकते। अरे जब 50 से भी मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, देशों से भी ईसाई देश हो सकते हैं, अगर हम हिंदू राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो हमारे पर एक्सपायर किया जाता है। तकलीफ होती है नहीं होती है? अरे जिस गौ माता मैंने दूध पिया, गौ माता दूध पीकर जब मैं बड़ा हुआ, मेरे ही सामने मेरी
तकलीफ होती है या नहीं होती है। एक विधायक हूँ लेकिन बेकार हूँ इस विधानसभा में। मैं जब जाता हूँ तो शर्मा की तेलंगाना की विधानसभा में मैं जब जाता हूँ तो मेरे राइट साइड में ओएसी का छोटा पुल तो कुत्ता वाला बैठता है। उसके साथ विधायक मेरे पास में बैठते हैं। कभी कभी ऐसा मन कहता है कि सालों को वही फंसा पाओगे फोटो। आप लोगों को एक रुपए की भी चीज लेना है तो तिलक झाड़ी सी खरीदे ना कि एक गोल टोपी वालों से। मैं इसलिए कहता हूं कि अरे खरीदो तो अपने आदमी से खरीदो, भले एक रुपया बढ़ के क्यों ना दो। अरे उसको एक रुपया बढ़ के मत दो जो आपके सर्वनाश का कारण बन सकता है। उससे कोई चीज मत खरीदो। कि मैं आज सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, अरे दिल्ली से हिंदू बहन को उठा कर ले आते हैं राजस्थान में तो राजस्थान में ऐसे मुल्लों को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये बात किसको समझने की आवश्यकता, मैं तो हैदराबादी हूँ, किसको समझने की आवश्यकता है। तुम्हारे साथ कौन है ये किसको समझने की आवश्यकता है। लव सियासतों के साथ कौन है ये किसको समझने की आवश्यकता है, बताइए किसको। जनता को, हिंदुओं को, सबको समझने की आज आवश्यकता है कि कौन हमारा है और कौन हमारा दुश्मन है। सिर्फ पाकिस्तान में बैठा हो वो लाना वो मुसलमान, भारत की हिंदू लड़कियों को फंसाने का प्लान कर रहा है तो वो वहां बैठकर लड़की को नहीं बुला रहा है। भारत का भी बैठा हुआ मुल्ला उस लड़की को जाने के लिए सपोर्ट कर रहा है। यहां पर बैठे हुए उनके आकाएं उस लड़की को हर प्रकार का सपोर्ट कर रहे हैं जाने के लिए। तो ये सारे मुल्ले खाते हिंदुस्तान का, सारे खाते पाकिस्तान का। अरे जिस धरती में पैदा हुए हो उससे तो ईमानदारी से रहो, उससे तो विश्वासघात मत करो। मैं केंद्र सरकार से अभी शादी से निवेदन करना चाहूंगा कि एमयू चलेगी पाकिस्तान में, एक और हिंदू बहन जा रही थी, इनको बैकग्राउंड भारत से कौन सपोर्ट कर रहा है, इन कुत्तों को निकालने की आवश्यकता है। अगर इनको नहीं निकालेंगे तो पता नहीं कितनी एमयू पाकिस्तान चले जाएगी, कितनी हमारी हिंदू बहन बेटी पाकिस्तान चले जाएगी। अरे भारत में बैठे हुए मुल्लों को आइडेंटिफाई करो, जो पाकिस्तान की नजर खोला गए हैं उनको नो अरेस्ट नो एफआईआर ओनली फॉर इनकाउंटर होना चाहिए। क्योंकि ऐसे कीड़े समाज के लिए हानिकारक होते हैं। अगर हमारे घर में कोई जहरीला कीड़ा आ जाए तो क्या करते हैं, मारते हैं या दूध पिलाते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी समर्थक जो कीड़े भारत देश में जो छुपे हुए हैं ना, इनका भी सर कुचलने की आवश्यकता है। अगर इनको भी चौराहे पर खड़ा करके गोली मारेंगे तो फिर कोई मुल्ला ये नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान मेरा दूसरा अब्बा है, ये कोई नहीं सोचेगा। आपको पता है हर जाति का एक एक रेट इन जिहादियों ने फिक्स किया है। लव जिहाद करो, कितना पैसा लेकर जाओ। अगर हमारी ब्राह्मण समाज की लड़की है, अगर लव जिहादी उसको फंसाता है तो 5 लाख रुपए उस मुल्ले को दिए जाते हैं। 5 लाख रुपए एक हिंदू लड़की, एक ब्राह्मण लड़की को फंसाने के लिए। साथ ही साथ राजपूत लड़की को 4 लाख रुपए दिया जाता है फंसाने के लिए। ओबीसी, एससी की लड़की को फंसाने के लिए 2 लाख दिया जाता है। जैन समाज की लड़की को फंसाने के लिए 3 लाख, गुजराती समाज की लड़की को फंसाने के लिए 6 लाख, सिख लड़की को फंसाने के लिए 7 लाख, मराठी लड़की को फंसाने के लिए 6 लाख, कन्नड़ लड़की को फंसाने के लिए 6 लाख। इस प्रकार से रेट फिक्स की गए। कौन देता है इनको पैसा, कहां से आता है इनके पास इतना पैसा, ये विचार करो।
पर्टिकुलर इंटरनेट से एक संस्था काम कर रही है जो फाइनेंशियली फिजिकली हर प्रकार से इन जिहादियों को सपोर्ट कर रही है। राजस्थान में भगवाधारियों का कितना वोट बैंक है और गैर भगवाधारियों का कितना वोट बैंक है ये मुख्यमंत्रियों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। अरे अगर आपको अच्छी सी ट्रेनिंग चाहिए कि हिंदुओं की रक्षा कैसे की जाती है तो यहां से चले जाओ उत्तर प्रदेश, बाबा जी से एक 10 मिनट की मीटिंग कर लेना, योगी आदित्यनाथ बाबा जी से 10 मिनट की मीटिंग कर लेना कि लव जिहादियों को कैसा फोड़ते हैं।